नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका भाई कुणाल शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ एक और बेहतर वीडियो, एक बेहतरीन जानकारी। आज हम बात करेंगे हलाला पे। हलाला क्या है, आखिर हलाला मुस्लिम समुदाय की जो स्त्रियाँ होती है, महिलाएं होती है, उनके साथ ही क्यों होता है, मर्दों के साथ क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है और इसका क्या रूल्स है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हलाला क्या होता है, हलाला एक जैसे हिंदू में शादी होती है, शादी होने के बाद डाइवोर्स हो जाए, डाइवोर्स होने के बाद अगर वो पति पत्नी एक साथ रहना चाहे, दोबारा से जुड़ना चाहे, तो हिंदू सभ्यता के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है कि उसका हलाला होगा या क्या होगा। अब बात करते हैं हलाला की। मुस्लिम समुदाय में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लेडीज को, महिला को अगर तलाक देता है, तलाक देने के बाद दोबारा वो एक साथ रहना चाहें, अपना एक दोबारा से परिवार इकट्ठा करना चाहें, एक साथ एक छत के नीचे रहना चाहें, तो उसमें क्या होता है कि उस महिला को किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने होते हैं, जो कि शारीरिक संबंध होते हैं, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद तब वो अपने पति जिसने तलाक दिया था उसके साथ दोबारा निकाह कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। ये एक प्रकार का बहुत गंदा प्रचलन है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अपनी पत्नी को दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद अपने पास लाना कहाँ का रूल है और इससे क्या फ़ायदा होता है, ये तो उन्हीं के धर्मगुरु बताएंगे कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से तो पूरा नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि किसी स्त्री का जो गुरूर होता है वो उसकी इज्जत होती है, और इज्जत ही आप अपने कानून जो प्रथाएं चली आ रही हैं उस प्रथा के तहत किसी स्त्री को दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेशराइज करते हैं, ये किसी भी प्रकार से और उस महिला का मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन सारा खराब होता है। क्योंकि पहले तो वो तलाक ले चुकी थी, उसके साथ वो दुख गया, दूसरा उसको दोबारा एक साथ आने के लिए किसी अन्य पुरुष के साथ अभी बैठना होगा, उसके साथ संबंध स्थापित करने होंगे। तो ये जो हलाला बहुत गंदा है, मैं इसके विरोध में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है उसके पक्ष में 100% रहूँगा, क्योंकि ये जितने भी ऐसे काम हैं जिनसे महिलाओं को पीड़ा होती है, ऐसा ही मुस्लिम समुदाय में, हिंदू समुदाय में भी ऐसी अगर कोई प्रथा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से वो सारी की सारी प्रथाएँ ख़त्म होंगी, सभी एक स्टेट पर होंगे। ओके, तो हलाला बेसिकली मुस्लिम समुदाय में है, जो कि तलाक के बाद की जाने वाली एक परंपरा है उनकी, और ये बहुत गंदी परंपरा है। ओके दोस्तों।